दोस्तों आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं सीएट की स्कूटी के टायर के लिए। ये आपके सामने दो टायर हैं, दोनों ही स्कूटी के टायर हैं। मैं दोनों को बता देता हूँ। ये पहला जो टायर है ये है माइलेज टायर। माइलेज से आप ये मत समझिएगा कि ये स्कूटी का माइलेज देगा, इसका मैं आपको बताऊँगा कि माइलेज क्या है। इसका ग्रिप भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका ग्रिप है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत सा ग्रिप है। ये देख लीजिए अच्छे तरीके से। एंड ये है हमारा एक और स्कूटी का ही टायर। ये डिफरेंट टायर है, ये डिफरेंट पैटर्न है। अब इन दोनों पैटर्न में फ़र्क क्या है मैं आपको बता दूँ। देखिए आपके सामने दोनों टायर हैं, आपको एक मजबूत लग रहा होगा, एक लग रहा होगा कि इसकी ग्रिप थोड़ी कम है, पर दोनों टायर का एक अलग अलग काम है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइलेज X3 माइलेज से। देखिए ये आपका माइलेज टायर है सीएट का। मैं आपको इसका पूरा डिटेल्स बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या कितना कितना ये है। एक तो ये सीएट है, एक आपके अंदर ये क्वेरी होगी कि ये क्यों लगे हुए हैं इसमें, तो इसका भी मैं आपको बता दूँगा। ये है, इसका साइज़ है 90 110 53J। अब ये 53J क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए जे जो है इसका इंडिकेट करता है हमारी स्पीड को, और 53 जो करता है लोड, ये कितना लोड ले सकता है। तो इस टायर को आप मैक्सिमम इसकी स्पीड जो दी गई है वो है 100 किलोमीटर पर आवर, और इसका जो वेट है लोड ले सकता है वो है 206 kg। मतलब एक टायर 206 किलोग्राम का वेट ले सकता है। और क्योंकि ये स्कूटी के टायर है तो आपको पता ही होगा कि स्कूटी हम 100 से ऊपर तो ले भी नहीं जाते। मैं आपको और क्लियर नीचे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ मेंशन भी है कि लोड 200 kg एट 250 kPa। ये 250 kPa, ये आप इसको ना, ये इसका एयर प्रेशर है। 250 kPa को आप इस पर डालेंगे गूगल में तो आपको इसका मिल जाएगा कितना कितना PSI आपको यूज़ कर रहा है। और स्पीड रेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड है ये। फाइन, ये आप देख पा रहे हो नायलॉन का टायर है और ये सीएट लिखा हुआ है। हाँ, इसका मैं आपको बता दूँ ये क्या है कि जब टायर मैन्युफैक्चर होकर आता है उसके ऊपर प्रेशर अगर पड़ता रहेगा तो पॉसिबल है कि वो टायर दब जाए। तो जो भी ट्यूबलेस टायर है उसमें इस टाइप की ग्रिप को बनाकर देते हैं ताकि ये टायर दब ना जाए, जब हम उसमें एयर डालें तो प्रॉपर फूल जाए। अब हम आते हैं इसकी ग्रिप के ऊपर। देखिए ये ग्रिप अक्सर अगर आपने कभी देखा हो, किसी कोई बुकलेट पड़ी हो तो कभी बर्फीली ज़मीन पर या कीचड़ में जब टायर फंस जाते हैं तो उनमें ऐसा वायर तार लगा लगा कर उसको निकालने के लिए काम आता है, वो कीचड़ काट देता है। तो सेम ये ग्रिप है, ये आपका कीचड़ वगैरह में अगर फंसेगी, आपको एक लंबे समय में काम करने के लिए यही ग्रिप काम आएगी। ऐसे टायर को आप आसानी से रास्ते में चला सकते हैं, कीचड़ वगैरह में निकालें, जहाँ मर्जी आए आप निकालें, तो ये टायर ना इजीली फंसेंगे नहीं, ये निकल जाएंगे। और आप अगर देख पा रहे हैं तो ये इसके अंदर देखिए ये बटन बटन टाइप के दिख रहे हैं, ये बटन। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कैमरे को फोकस करने के लिए। ये देखिए ये बटन, ये जो दिख रहे हैं अंदर, ये इसका ना इंडिकेटर होता है। जब आपका टायर यहाँ तक पहुँच जाता है तो इसका मतलब है कि आपको अब ये टायर बदलना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टायर पर। पहला टायर जो हमने देखा था वो जूम पैटर्न का था, और ये टायर है हमारा, सॉरी पहला टायर हमने माइलेज पैटर्न का देखा था, ये हमारा जूम पैटर्न का है। तो सबसे पहले मैं आपको इस पर बता दूँ, ये जो लिखा हुआ है ना 0221, ये इसका मतलब है कि ये 2021 में बना हुआ है, सेकंड वीक का नायलॉन का टायर है ये। इसका सब कुछ वही सीएट लिखा हुआ है, जूम डी ये लिखा हुआ है, और इसका देखिए ये जो लोड कैपेसिटी लिखी हुई है इसमें 54J, मतलब ये लोड थोड़ा ज़्यादा ले पाएगा। स्पीड रेटिंग इसकी वही 100 किलोमीटर है, 256 kPa लिखा हुआ है, मैक्सिमम लोड लिखा हुआ है, और ये एरो, ये एरो हमें दिखाता है कि हमें किस दिशा में चलना है। अगर ये एरो हम उल्टे साइड में अगर कोई मैकेनिक लगा देते हैं तो आपका टायर भी जल्दी घिसेगा और उसका बैलेंस भी आउट होता रहेगा। माइलेज टायर जो है इसमें आप देखेंगे ऐसा कोई भी एरो आपको नहीं दिखाई देगा, तो इसको आप किसी भी तरह फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बट इस टायर को आपको एरो की ही दिशा में फिट करना पड़ेगा, तभी ये टायर प्रॉपर चलेगा। अब हम आते हैं इसकी ग्रिप के ऊपर। आप इसकी ग्रिप देखिए, ये इसकी ग्रिप है, उसका माइलेज का डिफरेंट ग्रिप था, इसका डिफरेंट ग्रिप है। ये जो ग्रिप बना हुआ है और ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये दो काम करता है। बेसिकली जूम टायर जो होता है ये स्पीड में चलाने के लिए होता है। जो लोग अगर आप स्कूटी भी चला रहे हैं कंटिन्यूस हमेशा 80 प्लस ही चलाते हैं तो आप जूम टायर लीजिए, अगर आप नॉर्मल स्पीड में चलाते हैं तो आप माइलेज टायर लीजिए। ये क्या काम करता है, ये जो दिख रहा है यहाँ से एयर निकलती है, आप रोड पर जाएंगे एयर यहाँ से निकल जाएगी, एयर यहाँ से निकल जाएगी, पानी पर भी चलाएंगे तो निकल जाएगा। तो जूम डी आप समझिए, जूम डी होता है स्पीड में चलाने के वाले जो बाइकर्स होते हैं, राइडर्स होते हैं, जो आजकल लड़के लोग हैं जो कम स्पीड में चलाते ही नहीं हैं, उनके लिए ये टायर बनाया गया है। सारी तरह की टायर अवेलेबल है और जो नॉर्मल लोग चलाते हैं उनके लिए ये टायर है, ये कभी घिसेगा ही नहीं, आप ये मान लीजिए।